पैसे की तंगी से नहीं करवा पा रहा था कैंसर का इलाज, कुछ ऐसा हुआ कि करोड़पति बन गया आज। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। इस रोग के चपेट में आने के बाद इलाज कराना इतना महंगा हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन लोग जीवन की उम्मीद में जितना संभव हो सकता है इलाज में खर्च करते हैं। कुछ लोग इलाज के लिए जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं तो वहीं कुछ लोग पैसों के अभाव में इलाज कराना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक चमत्कार की तरह लग रही है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में रहने वाले रॉनी फोस्टर को कैंसर के इलाज में आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। रॉनी को पेट का कैंसर है जिसके लिए उन्हें कीमोथेरेपी कराना था, लेकिन पैसों के अभाव के कारण रॉनी इलाज कराने में असमर्थ थे। रॉनी अपने इलाज में जितना पैसा था खर्च करते रहे। उन्होंने बीमारी के लिए बीमा भी करा रखा था लेकिन उसकी राशि भी कम पड़ गई थी। रॉनी एक दिन घूमते हुए ईबे उलावेले के एक सुविधा स्टोर में रुके। वहां पर रॉनी को विनिटो एल स्क्रैच ऑफ टिकट लॉटरी दिखी जिसे उन्होंने खरीद लिया। $1 की इस लॉटरी से रॉनी ने $5 जीत लिए। इसके बाद रॉनी ने सोचा क्यों न इन पैसों से भी लॉटरी में भाग्य आजमाया जाए। रॉनी ने फिर से एक के बजाय दो लॉटरी टिकट खरीदा। रॉनी को पहले टिकट में कुछ नहीं मिला लेकिन दूसरा टिकट स्क्रैच करने पर बहुत सारे शून्य दिखे। रॉनी लॉटरी को देखकर हैरान थे और स्कैन करने के लिए काउंटर क्लर्क को दिखाया। क्लर्क ने रॉनी को बताया कि आपने बहुत बड़ी रकम जीती है, आप लॉटरी मुख्यालय जाएं। रॉनी जब मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें $2,00,000 जीतने की जानकारी मिली। सभी तरह के टैक्स काटने के बाद रॉनी को $1,41,502 करीब $1,00,000 मिले। पिछले वर्ष शुरू हुई यह लॉटरी इस साल 1 नवंबर को समाप्त हो रही है। रॉनी ने इसका सबसे बड़ा और अंतिम इनाम जीता है। रॉनी परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। जनवरी में उन्हें कैंसर होने का पता चला तो घबरा गए। रॉनी ने बताया कि इन पैसों से अब वे आसानी से इलाज करा सकेंगे और सभी मेडिकल खर्चों का भुगतान करेंगे। इसके बाद जो पैसे बचेंगे उसे भविष्य के लिए संभाल कर रखेंगे।